गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम संस्कृत में पांचवा पाठ पढ़ेंगे। ठीक है, आपके इस पाठ में उपवन अर्थात बगीचे के बारे में बताया गया है कि बगीचा कैसा होता है और कैसा देखने में सुंदर लगता है, बगीचे में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिसके कारण बगीचे की सुंदरता और भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं, पाठ को पढ़ेंगे और समझेंगे। इदं मम मित्रस्य उपवनम् अस्ति, यह मेरे मित्र का बगीचा है। अस्मिन् उपवने बहवः वृक्षाः विभिन्नाः पादपाः लताश्च सन्ति, इस बगीचे में बहुत से वृक्ष, विभिन्न प्रकार के पौधे और लताएं हैं। वृक्षेषु बहवः खगाः निवसंती, अर्थात वृक्षों पर बहुत से पक्षी रहते हैं। वद्यथा चटकाह, शुकाह, कोकिलाह, काकाह, कपोताह, शारिकाह आदयः, अर्थात जैसे, उदाहरण के लिए बताया गया है कि जैसे बोला गया कि वृक्षों पर बहुत से पक्षी रहते हैं। कौन कौन से पक्षी रहते हैं? जैसे चिड़ियाँ, तोते, कोयल, कौवे, कबूतर, मैना आदि। एतेषां खगानां कलरवं चित्तं आकर्षयति, इन सभी पक्षियों के कलरव मन को आकर्षित करते हैं, अर्थात ये जो सब पक्षी पेड़ों पर रहते हैं इनकी आवाज़ जो कलरव अर्थात चहचहाना पक्षियों का मन को क्या करता है, आकर्षित करता है, मन को आकर्षित करता है, बहुत शांति प्रदान करता है। नेक्स्ट आगे देखेंगे, पुष्प पादपेषु विविधानि मनोहराणि पुष्पाणि विकसन्ति, फूलों के पौधों पर विभिन्न प्रकार के सुंदर फूल खिलते हैं। मंदह मंदह समीरह पुष्पाणाम सुगंधि सर्वत्र प्रसारयति, अर्थात बहुत से धीमी धीमी हवा चल रही है, धीमी धीमी हवा फूलों की सुगंध को चारों ओर फैलाती है। जो हवा चलती है सुबह ठंडी ठंडी, वह जो बगीचे में फूल हैं, पेड़ पौधे हैं, तो उनकी जो सुगंध है हवा के माध्यम से चारों ओर फैलती है। एतेषु वृक्षेषु बहूनि फलानि सन्ति, इन सभी वृक्षों पर बहुत सारे फल हैं। बहूनि फलानि पकवानि सन्ति, बहुत से फल पके हैं। द्वौ सुकौ आम्रे खादतः, दो तोते आम खाते हैं। अस्य उपवनस्य वातावरणम् अति रमणीयम् अस्ति, इस बगीचे का वातावरण बहुत रमणीय या सुंदर है। वर्षा काले तु अस्य उपवनस्य शोभा सर्वान् जनान् आकर्षयति, अर्थात वर्षा के समय तो इस बगीचे की शोभा सभी लोगों को आकर्षित करती है। सर्वे अस्य शोभां अवलोक्य प्रसन्नाः भवन्ति, इस लाइन का अर्थ ये है कि सभी इसकी शोभा को देखकर खुश होते हैं, अर्थात जिस प्रकार का वातावरण रमणीय और सुंदर होता है बगीचे का, तो वहाँ पर पशु पक्षियों की आवाज़ सुनकर और तरह तरह के फूलों की खुशबू को देखकर, मंद मंद हवा को महसूस करके जितने भी व्यक्ति लोग वहाँ पर होते हैं वो क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें देखकर खुश होते हैं या प्रसन्न होते हैं। ठीक है बच्चों, इस पाठ में आपको अगर नेक्स्ट आपको वर्ड मीनिंग क्वेश्चन आंसर सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें ग्रुप में कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।